फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना। स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्पना ऑल इन वन पर। आज मैं आपको चीनी से स्क्रब बनाकर दिखा रही हूं, जो आपकी ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। सर्दियों में ये स्क्रब आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं। इस स्क्रब को बनाने के लिए हम 2 चम्मच चीनी ले लेंगे। हमने ये 2 चम्मच चीनी ले ली है और इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल ले लेंगे। आप बादाम का तेल भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं। अब दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं, अपने फेस पर भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो अपने पैरों पर भी इसको यूज कर सकते हैं। सर्दियों में हमारे पैर बहुत ज्यादा फट जाते हैं, हमारे पैरों की स्किन, हाथों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा स्क्रब है। ऑलिव ऑयल से हमारा फेस बहुत ज्यादा नेचुरल शाइन करता है। आप सोने से पहले अगर खाली 2 बूंद अपने फेस पर ऑलिव ऑयल की लगाते हैं तो आपके फेस पर बहुत अच्छा मॉइस्चर आ जाता है और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर भी है। साथ ही हम इसमें चीनी मिक्स करते हैं और स्क्रब इसका हम तैयार कर लेते हैं तो इसमें जो मिठास होती है चीनी की, वो हमारे फेस पर जितनी भी डेड स्किन जम जाती है या जितने भी हमारे फेस पर डस्ट जम जाती है, ये उसको हटाती है और हमारे जो पोर्स होते हैं उनको खोलती है। तो इसको अब हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई हम उसको सेम जैसे हम कोई भी स्क्रब यूज करते हैं वैसे ही हम उसको लेंगे अपने हाथों में और इसको गोलाई में हम अपने फेस पर लगाएंगे। इस तरीके से आप अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि इसका जो चीनी का जो ये साइज है थोड़ा मोटा है, मोटा होता है आपके फेस के लिए, आपके फेस के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, बट आप इसमें ऑलिव ऑयल मिक्स करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है। तो अब हम इसको अच्छे से अपनी नाक के पास, यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स हो जाते हैं तो ये उसको भी रिमूव करता है, हम इसको अप्लाई करेंगे अपनी नोज पर। बहुत हल्के हाथ से हम इसको मसाज करेंगे। आपको इससे बहुत ज्यादा देर मसाज नहीं करनी है। आप अगर इससे सिर्फ 2 से 3 मिनट भी मसाज करते हैं तो आपके फेस के लिए इनफ होता है और मेन है ये आपके फेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इससे आपके फेस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये बहुत अच्छा स्क्रब है आपके फेस के लिए। हम अगर मार्केट का कोई स्क्रब यूज करते हैं तो वो कभी कभी हमारे फेस पर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, स्किन छिल भी जाती है, बट इससे आपकी स्किन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलिव ऑयल, हमारा जो ऑयली स्किन होता है उसमें हम यूज नहीं करते हैं। ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा स्क्रब है, तो इसको अप्लाई कर लेंगे हम अच्छे से। कम से कम इससे आप 5 मिनट तक मसाज कर लें और अपना इसको हल्के गुनगुने पानी से धो लें। इसको गुनगुने पानी से ही धोना है, नहीं तो आपके फेस पर जो ये मिठास है और ऑयल का एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है हमारे फेस से, वो निकलेगा नहीं। तो इसको हम गुनगुने पानी से अब 5 मिनट के बाद धो लेंगे। अब मैंने अपना फेस धो लिया है। धोने के बाद अब मैं कॉटन ले लूंगी और उससे अपने फेस को साफ करूंगी। आप इस स्क्रब को यूज कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार। हाथ पैरों पे आप चाहे तो इसको रोज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाथ पैर हमारे बहुत जल्दी गंदे दिखने लग जाते हैं, ब्लैक दिखने लग जाते हैं, तो आप इसको हाथ पैरों पर भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से फेस को साफ करने के बाद आप चाहे तो एलोवेरा लगा सकते हैं अपने फेस पर। हल्की सी क्वांटिटी में लेने के बाद आप फेस पैक की तरह एलोवेरा जेल को अपने फेस पर लगा सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी दिया हुआ है, अगर आप उसमें भी कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।